हाँ तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। तो जिन भाइयों ने कमेंट करा था कि 3055 को मॉडिफाई करें जिससे कि हम 30030 या 35035 या उससे ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा सकें, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आप जो मैं बताऊँगा वो उसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है। तो वीडियो को बताता हूँ मैं दोस्तों, तो स्टेप से बताऊँगा। तो पहला स्टेप जो है आपको ये ना पावर सप्लाई है ना, ये चेंज करनी है। पावर सप्लाई में आपको यहाँ पे दो कंडेंसर मिल जाएंगे, 2200 EF और वो होते हैं आपके 35 वोल्ट में। तो आपको उसको चेंज करके 4700 EF 63 वोल्ट के लगा देने हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे चेंज कर देने हैं वो, और यहाँ 64 के डायोड लगा देने हैं, ठीक है। तो स्टेप वन तो हमारा हो गया, जैसे सामान लगा हुआ वैसे ही लगा देना नया सामान लाके। फिर स्टेप नंबर टू जो है, जो पीछे के 3055 के ट्रांजिस्टर होते हैं उनको हटा देना, उसकी जगह ये 4 ट्रांजिस्टर आपको लेके आने हैं। ये वाले मैं बता दूँ इसका नंबर क्या है। तो दोस्तों ये 13007 ट्रांजिस्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं 13060 ट्रांजिस्टर है। इसको आपको लेके आने हैं, 4 PC लाने हैं बस, ठीक है। और इन सब में माइका लगा देना पीछे से कि आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं ट्रांसफार्मर बता देता हूँ, स्टेप नंबर थ्री ये आपको लेके आना है, ठीक है। स्टेप नंबर थ्री है कि आपको जो भी है क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर लगाना है इसमें, वो होगा आपका, अगर आप 30030 लगा रहे हैं तो 6 एम्पियर लगा सकते हैं, और 35035 लगा रहे हैं तो 5 एम्पियर बहुत है इसको, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये 80 वोल्ट तक चल जाते हैं, यानी 40040। लेकिन 40040 में ना इनका एक प्रॉब्लम ये है कि कभी भी ख़राब हो सकते हैं 40040 में। तो मैं रिकमेंड करूँगा 35035 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा लें, ना तो 30030 6 एम्पियर का भतेरा है, ठीक है। अगर 35035 लगाओगे ना तो आपकी 175 मतलब 150 से लेकर 200 वाट तक आपकी कहीं नहीं जाने वाली। एक 150 वाट जो है वो तो मिलेगी आपको पर चैनल, मैक्सिमम आप 200 वाट तक निकाल सकते हैं एक चैनल से। पहले जो नॉर्मल होता है, मतलब जो पहले इसमें सामान लगाता है, वो 40 वाट तक आउटपुट देता है, मतलब 40 40 प्लस 80 वाट। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको मॉडिफाई करोगे तो 200 प्लस 200 400 वाट का बोर्ड बन जाएगा। और कुछ नहीं करना, बस ये सप्लाई चेंज करनी है आपको, जो मैंने कंडेंसर बताया 63 वोल्ट 4700 F वो चेंज करने, 64 के डायोड लगाने और 3055 की जगह ये वाले ट्रांजिस्टर लगाने। अब मैं ट्रांजिस्टर के कनेक्शन बता देता हूँ। तो भाई कहेंगे ट्रांजिस्टर के कनेक्शन नहीं बताया आपने, तो मैं कनेक्शन बता देता हूँ इसके। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, ये मतलब जहाँ से सप्लाई शुरू होती है वहाँ से जो ट्रांजिस्टर की पिनें शुरू होती हैं वो बेस कलेक्टर ईमीटर होती है। तो हम बोर्ड को ऐसे पलट लेते हैं, तो दोस्तों देख लेना मैंने ऐसे पलट दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे बोर्ड की सप्लाई है, तो सप्लाई से इधर वाला पहला बेस होता है, फिर कलेक्टर, फिर ईमीटर, फिर ये एक दूसरा ट्रांजिस्टर है इसका भी ये बेस, फिर कलेक्टर ईमीटर, और फिर ये तीसरा ट्रांजिस्टर ये भी बेस कलेक्टर ईमीटर, और लास्ट वाला भी ऐसा ही है। तो अब ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ना 13007, आपको ठीक ऐसे ही पकड़ लेना है इसको। तो मैं बता देता हूँ इसकी जो 13007 जब ऐसे पढ़ा जाए ना, आप इससे 13007 पढ़ने में आ जाए, तो आपकी जो पहली पिन होगी ना इसकी, पहली पिन इसकी होगी आपकी बेस, बीच वाली कलेक्टर, तीस वाली इमीटर। तो आपको ट्रांजिस्टर को ना ऐसे पकड़ना है, तो ये बेस पहली पिन है ना, और इसकी बेस ये वाली पहली पिन है। तो आपको देखो 13060 ट्रांजिस्टर ना उसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पलटना है, और फिर सीधे सीधे कनेक्शन कर देना, ये पहली पिन पे पहली पिन, दूसरी पिन पे दूसरी पिन, और तीसरी पिन पे तीसरी पिन, ठीक है। ऐसे कनेक्शन कर देना इधर और इधर ऐसे, मतलब ये वाली पहली पिन जो है वो इस वाली पहली पिन पे, और बीच वाली पिन बीच वाली पे, और ये लास्ट वाली जो है वो लास्ट पे। तो मैं एक इधर भी दिखा देता हूँ दोस्तों, ऐसे कनेक्शन करने, ऐसे कनेक्शन करने के बाद दोस्तों इसमें ना इतने मोटे वायर लगाना, देख सकते हैं, ये पतले वाले मत लगाने, ये जो ग्रीन कलर का वायर है ना इसको मत लगाना, ठीक है दोस्तों। तो ये मोटे वाले वायर लगाना, जैसे काला वायर है, येलो वायर है, ट्रांजिस्टर पे ये वायर लगाना, कि जितना मोटा वायर होता है ना उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। अब भाई ज़्यादा मोटा भी मत लगा देना, कि भाई वैसा वाला तार लगा दे जो सोल्ड भी ना हो, तो भाई नॉर्मल साइज ये वाला लगा लेना, और ऐसे वाले तार मत लगाना ट्रांजिस्टर में जब 35035 का ट्रांसफॉर्मर लगाओ, क्योंकि उसके जो तार आएंगे ना ट्रांसफॉर्मर के वो भी इतने ही मोटे आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था मॉडिफिकेशन में, तो इसकी टेस्टिंग वीडियो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। टेस्टिंग वीडियो मतलब आगे किसी वीडियो में बताऊंगा, तो यही मॉडिफिकेशन थी। और हमिंग पमिंग तो भाई दोस्तों मैंने बता दिया, 35035 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसमें लगाना, और ये वाले 13060 ट्रांजिस्टर लगाना, कनेक्शन भी मैंने बता दिए हैं, और कोई इसमें छेड़ाखानी नहीं करनी है। बाकी हाँ, इधर मैं बता देता हूँ आपको, ये वाले जो कैपेसिटर है मैं बता देता हूँ, ये तीनों कैपेसिटर ना आपको यहाँ पे
50 वोल्ट में लगा दो या 63 वोल्ट में लगा दो। आप यहाँ 100 UF भी लगा सकते हो और 47 UF भी लगा सकते हो, जो सा आपका मन करे वो आप यहाँ पे लगा देना। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, तो मैं बताना भूल गया था, कोई बात नहीं, अब मेरे को याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये कंडेंसर मैंने चेंज करे हैं, ऐसे वाले लगे हुए थे तो मैंने ये चेंज करे हैं। आपको तीनों ही चेंज करने हैं, ठीक है, तीनों ही चेंज करने वाले कंडेंसर, इधर के तीन, ये वाले, मतलब जो ऊपर वाली साइड है, नीचे वाला बेस टेबल जो है इसमें से कुछ नहीं चेंज करना, क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई है ना आपका रेगुलेटर लगा होगा इसी पे, मतलब एक रेगुलेटर लगा होता है वो 12 वोल्ट निकाल के इन बोर्ड को, मतलब इधर से इधर का देखता है। ठीक है, ऊपर के जितने भी सेक्शन है ना, ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो आपकी व्हाइट कलर की पट्टी है ना, लाइन है, तो आपको इसको ही, मतलब इसको ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, मतलब इससे ऊपर ऊपर के जितने भी कंपोनेंट है, मतलब कैपेसिटर जितने भी हैं, उनको सबको चेंज करके 50 वोल्ट में लगा देना, नहीं तो 63 वोल्ट में। ठीक है, 50 वोल्ट मिनिमम है, 63 वोल्ट आप लगाना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो सारे 63 वोल्ट में ही लगाना आप। ठीक है दोस्तों, ये वाला मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार, ये वाला 63 वोल्ट का लगाना, ये 63 वोल्ट, ये 63 वोल्ट, ये भी 63, ये भी 63 और ये भी 63 वोल्ट, और इन सब की वैल्यू सेम ही है। तो भाई मैंने यहाँ 100 UF के लगा दिए, तो आप जैसा मर्जी, इसमें 47 UF लगे हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, एक 47 UF लगा हुआ है। तो भाई देख सकते हो ये 47 UF लगा हुआ है, ये देख सकते हो 47 UF, तो आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो बस यही कुछ चेंज करना है, और ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मैंने वायर पैर सब बता दिए कैसे कनेक्शन करना है, बाकी सारे कनेक्शन सेम वही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।